हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रेखा यादव आज लेके आई हूँ एक पराठे की रेसिपी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का पराठा, और बहुत ही स्वादिष्ट पराठा बनता था। एक बार आप ज़रूर बनाइए, अपनी मनपसंद चटनी के साथ में आप सर्व कर सकते हैं, और इसे आप नाश्ते में सुबह शाम में बना सकते हैं। बनाइए, अगर आपको पसंद आई पराठे की रेसिपी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए इसे बना लेते हैं। तो ये मैंने एक कप गेहूं का आटा ले लिया है, अच्छे से छान लिया है, और इसमें हम डालेंगे नमक। और आप अपने फैमिली के हिसाब से गेहूं का आटा कम या ज़्यादा ले सकते हैं। थोड़ा सा नमक हमें डालना है, और नमक को अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे, और इसे हम पानी डाल के डो बना। ये मैंने सॉफ्ट डो लगा लिया है, ढक के रख देंगे और स्टफिंग बना लेते हैं। मैंने गैस को ऑन कर दिया है, गैस पर कढ़ाई रख लिया है, इसमें एक चम्मच तेल डालेंगे। तो ये ऑयल हमारा गर्म हो गया है, और इसमें हम डालेंगे आधा कप बेसन, और गैस को हमें एकदम कम रखना है, और एकदम कम आँच पे अच्छे से इसमें से खुशबू आने तक भून लेंगे बेसन को। मैंने बेसन को अच्छे से भून लिया है, और इसे भी हम निकाल लेंगे, ढक्कन हटा के देख लेंगे, और डो को थोड़ा सा हम घी लगा के चिकना कर लेंगे। अच्छे से एक बार हाथों से मसल लेंगे, तो मैं अच्छे से एक बार डो को चिकना कर लिया। तो ये मैंने डो को अच्छे से चिकना कर लिया है, और इसके हम छोटे छोटे बॉल्स तोड़ लेंगे 6 से 7। मैंने सारे बॉल्स बना लिए हैं, इसे हम साइड में रख देंगे। और जो हमने बेसन को भुना था, तो बेसन अच्छे से ठंडा हो जाना चाहिए, और एकदम ठंडा हो गया है। और अभी इसमें हम मसाले डालेंगे। मैंने लिया 1 छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर, और 1 छोटा चम्मच सौंफ, खड़ी सौंफ आती वो लिया है मैंने, और गरम मसाला लेंगे 1 छोटा चम्मच, और 1/4 टीस्पून अमचूर पाउडर लेंगे। इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, मिला लेना है। तो ये मैंने स्टफिंग अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो इसे साइड में रख देंगे। और जो हमने डो बनाया था, उसमें से एक बॉल्स लेंगे, और इसका हम चकई बनाएंगे। इसके अंदर स्टफिंग हमें करना है, तो इसे हाथों से अच्छे से मसल के गोला कर लेंगे, और बीच में इसमें जगह बना लेंगे कि स्टफिंग कर सके। जो हमने स्टफिंग बनाया है, इसके अंदर हम स्टफ कर लेंगे जो हमने डो लिया है। अच्छे से हाथों से ऐसे फैलाते हुए इसे बड़ा कर लेना है, बीच में जगह कर लेना है, और इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, और इसे हम बंद कर देंगे अच्छे से, इसका मुंह सील कर देंगे कि कहीं से ये निकले नहीं स्टफिंग। तो ऐसे दबाते हुए मैं अच्छे से बंद कर लूँगी इसका मुंह, और घुमाते हुए ऐसे हम बंद कर देंगे, तो ये खुलेगा नहीं, और इसे हाथों से हम दबा के चिपटा कर लेंगे। तो ऐसे दबाते हुए हमें चिपटा कर लेना है, और ऐसे करके हम सारे बना लेंगे। तो ये मैंने अच्छे से इसके अंदर स्टफिंग स्टफ कर लिया है, और थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसे मैं हाथों से दबाते हुए प्रेस कर लेना है हमें, और बेल लेंगे इसे पराठे की जैसे हमें बेलना है। तो इसे मैं बेल लूँगी, ज़्यादा बड़ा नहीं, मीडियम साइज़ का हम पराठा बनाएंगे, तो इसे हल्के हाथों से बेल लेना है हमें। तो ऐसे करके मैं सारे पराठे बना लूँगी। ये मैंने सारे पराठे बना लिए हैं। तो ये मैंने गैस को ऑन कर लिया है, गैस पे तवा रख लिया है, तवा हमारा गर्म हो गया है, और गैस को हम मीडियम कर देंगे, इस पर पराठा डाल लेंगे तवे पे। तो ये पराठा हमारा नीचे से पक गया है, और इसे हम पलट लेंगे, और ऑयल, घी या बटर जो आपकी मर्जी हो आप लगा सकते हैं, तो मैं ऑयल लगा रही हूँ। तो अच्छे से मैंने पराठे को एक साइड से पका लिया ऑयल लगा के, और इसे हम पलट लेंगे, और दूसरे साइड से भी ऑयल लगा के अच्छे से हम पका लेंगे। तो ये मैंने पराठे को दोनों साइड से अच्छे से ऑयल लगा के सेक लिया है, पका लिया है, एकदम क्रिस्पी हो गया है, और इसे हम निकाल लेते हैं। तो एक बार आप ज़रूर बना के देखिए बेसन का पराठा, और बहुत ही टेस्टी लगता है, अपनी मनपसंद चटनी के साथ में आप सर्व कर सकते हैं, और बाकी के भी हम ऐसे डाल के पराठे। तो ये मैंने सारे पराठे बना लिए हैं, और निकाल लेते हैं और सर्व करते हैं।